आज हम लोग डिस्कस करते हैं सम ऑपरेशन और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर में कुछ ऑपरेशन, जैसे दो मैट्रिसेस को सम कैसे करते हैं, मतलब दो मैट्रिसेस का जोड़ कैसे निकलता है, दो मैट्रिसेस का सबस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, एक स्केलर और एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, एंड दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं। तो अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो देन आप दोनों मैट्रिसेस को सम कर सकते हैं। एंड उसका सम जो डिफाइंड होता है वो क्रॉस पॉइंटिंग के, उसका सम जो डिफाइंड होता है उसके क्रॉस बॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट का सम करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं जब आप दो मैट्रिसेस को जोड़ोगे पीछे, पहला सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का सम, दो मैट्रिसेस को आप तभी जोड़ सकते हो, दो मैट्रिसेस को आप तभी जोड़ सकते हो जबकि दोनों मैट्रिसेस सेम साइज का हो। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, बी टू मैट्रिसेस Then sum is defined if and only if they are of same size, दोनों का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एंड सम इज डिफाइंड बाय A इक्वल A I J M क्रॉस N है, B इक्वल B I J, ये भी M क्रॉस N है, इसका भी ऑर्डर M क्रॉस N, इसका भी ऑर्डर M क्रॉस N, तो दोनों का आप सम कर सकते हो। तब A प्लस बी जो होगा वह बराबर होगा A I J M क्रॉस N प्लस B I J M क्रॉस N, क्रॉस बॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा A I J प्लस B I J M क्रॉस N। इसको कोई C I J मान लो, C I J M क्रॉस N, वेयर C I J इक्वल A I J प्लस B I J। दो मैट्रिसेस का आप सम तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस का आप सम तभी कर सकते हैं जबकि दोनों सेम साइज वाला हो। अगर दोनों सेम साइज वाला नहीं होगा तो सम डिफाइंड नहीं होगा। अब अगर दो मैट्रिसेस सेम साइज वाला होगा तब तो सम कर सकते हैं, तो सम करते कैसे हैं, तो उस दोनों मैट्रिसेस के क्रॉस बॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करते हैं। मतलब सेम सेम पोजीशंस वाले एलिमेंट को आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर कोई दो मैट्रिसेस है A इक्वल A I J M क्रॉस N, B इक्वल B I J ये भी M क्रॉस N, तो इस दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तब इसका जोड़ कैसे होगा, तो A प्लस B A I J M क्रॉस N, B I J M क्रॉस N, I J पोजीशन
कोएफिशिएंट्स के एलिमेंट को जोड़ देंगे aij plus bij, इसको अगर आप छोटा लिखना चाहते हो तो cij m cross n, इस लॉजिक से आप सम कर सकते हो दो मैट्रिसेस का। एक हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस का। अगर कोई दो मैट्रिसेस है a और b, दो मैट्रिसेस है a और b, दो मैट्रिसेस है a और b, एग्जांपल a इक्वल कुछ भी आप न्यूमेरिक भी ले सकते हैं या जनरल भी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एक मैट्रिसेस आपका b है b11 b12 b13 b21 b22 b23, ये भी दो क्रॉस तीन का। आप a और b को देखोगे दोनों का ऑर्डर सेम है तो सम तो होगा, a प्लस b जो होगा वह इस दोनों मैट्रिसेस का सम होगा। कैसे सम होगा? क्रॉसपोंडिंग पोजीशंस के एलिमेंट को जोड़ेंगे। एंड रिजल्ट में जो मैट्रिसेस बनेगा वह भी इतना ही ऑर्डर का बनेगा जितना ऑर्डर का a और b रहा होगा, क्योंकि a और b जब तक सेम ऑर्डर का नहीं होगा तब तक वो सम ही नहीं होगा। अब सम निकलेगा कैसे? सेम सेम पोजीशन पे एलिमेंट को जोड़ेंगे आप, a11 + b11, a12 + b12, a13 + b13, अगेन ये a21 + b21, a22 + b22, a23 प्लस बी टू थ्री, यह भी टू क्रॉस थ्री का। यही आपका ए प्लस बी का सम हुआ। मतलब दो मैट्रिसेस को आप तभी जोड़ सकते हैं जब भी दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अगर सेम होगा तो सम होगा, सम होने के बाद नया एक मैट्रिसेस बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा जो ऑर्डर ए एंड बी का रहा होगा। एंड सम होगा कैसे? तो क्रॉसपोंडिंग पोजीशंस के, मतलब ए और बी के एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग पोजीशंस का सम हम लोग कर देंगे। जो भी रिजल्टिंग मैट्रिसेस बनेगा वही मैट्रिसेस ए प्लस बी कहलाएगा। दूसरा ऑपरेशन हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सेकेंड ऑपरेशन में सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप दो मैट्रिसेस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो यदि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो एंड दोनों के क्रॉसपोंडिंग पोजीशंस के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए अगर m क्रॉस n का है, b अगर p क्रॉस q का है, अगर m क्रॉस n एक m क्रॉस n इक्वल गया होगा p क्रॉस q के, दैट इज m इक्वल p गया होगा एंड n इक्वल q, देन आप a माइनस b डिफाइन कर सकते हैं एंड डिफाइन बाय a माइनस b इक्वल aij m क्रॉस n माइनस bij m क्रॉस n
क्योंकि m बराबर है p के, n बराबर है q के, is equal to a i j minus b i j m cross n equal to c i j m cross n, where c i j equal a i j minus b i j. मतलब दो मैट्रिसेस को आप सबट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जबकि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो. जब वह सेम ऑर्डर का होगा तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं. तो रिजल्ट में एक मैट्रिसेस बनेगा, उस मैट्रिसेस का भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना ए और बी का ऑर्डर रहा होगा. एंड सबट्रैक्शन करते कैसे हैं, क्रॉसपोंडिंग पोजीशंस के एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर देते हैं. एक छोटा सा आप एग्जांपल से देख सकते हैं, ए अगर कोई एक मैट्रिक्स है कुछ न्यूमेरिकली 1 2 3 4 टू क्रॉस टू का, बी जी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 का, ए माइनस बी तो होगा क्योंकि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है. तब जो ए माइनस बी होगा सेम सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस ए 2 माइनस बी 3 माइनस सी 4 माइनस डी मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 का. मतलब दो मैट्रिसेस को आप तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे जबकि दोनों का ऑर्डर सेम हो, देन सब्ट्रैक्शन होगा. और सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, सेम सेम पोजीशंस के एलिमेंट को मतलब आई जे पोजीशन में से ए के आई जे पोजीशन के एलिमेंट में से बी के आई जे पोजीशन के एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगला ऑपरेशन हम लोग बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से गुणा करना है. तो ए कोई एक मैट्रिक्स है, के कोई एक स्केलर क्वांटिटी है. तो के एक मैट्रिक्स होगा, वह भी उतना ही ऑर्डर का होगा जितना ऑर्डर का ए रहा होगा. एंड के ए का जो एलिमेंट होगा वह बराबर हुआ होगा के टाइम्स मल्टीपल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए. मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट को के से गुणा करके जो मैट्रिसेस बनेगा वह के ए बनेगा. मतलब ये क्या है, लेट ए इक्वल ए आई जे m क्रॉस n k is any scalar, k कोई एक स्केलर है, then k a equal k a i j m क्रॉस n is equal k a i j m cross n. मतलब a के प्रत्येक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वही k a कहलाएगा. जैसे एग्जांपल्स a इक्वल 1 2 3 4 8 then high A equal high into 1, high into 2, high into 3, high into 4, high into 8, high into 12. It means high 10, 15,
20, 40, 60 मतलब एक को एक मैट्रिक्स है, हाइट को एक स्केलर है, हाइट ए ए के प्रत्येक एलिमेंट को ईच एलिमेंट को ए के प्रत्येक एलिमेंट को आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नया मैट्रिक्स बनेगा तो उसका प्रत्येक एलिमेंट एक एलिमेंट का 5 टाइम मल्टीपल रहा होगा। ऐसे ही होता स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब आपको मैट्रिक्स को करना हो तो कोई एक मैट्रिक्स है कि कोई स्केलर है, स्केलर का मतलब कोई नंबर्स है, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, के कोई एक स्केलर है, के एक मैट्रिक्स होगा जो कि ए के प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए को एक मैट्रिक्स है 2x3 का एंड 5 कोई स्केलर है, 5 इज स्केलर। अगर हमको 5 ए चाहिए तो ए के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको बन रहा है 5, 10, 15, 20, 40 एंड 60, या भी 2x3 का ही, मतलब ए का जितना ऑर्डर होगा उतना ही के का भी ऑर्डर होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा के ए का जो भी एलिमेंट बना होगा वो ए के एलिमेंट का के टाइम्स मल्टीपल रहा होगा। हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी हो सकता है अगर ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, देन ए भी तभी डिफाइंड हो सकता है जबकि ए का कॉलम एंड बी का रो इक्वल हो, एंड नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ए का रो क्रॉस बी का कॉलम होगा। मतलब यह कह रहा है लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड if and only if number of column in A equal to number of row of B and the order of new matrix। यदि A और B मतलब product of two matrices, यदि A और B कोई दो matrix है तो A B मतलब A और B का product ए भी तभी डिफाइंड होगा जबकि ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रो ऑफ बी के, एंड नया जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी होगा। यही बात लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, then product AB is defined if and only if
number of column in A is equal to number of row of B, and the order of geometric AB is number of row of A cross number of column of B. मतलब दो मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट तभी हो सकता है जबकि A का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो नंबर ऑफ रो ऑफ B के. मतलब A का कॉलम B का रो बराबर हो तो AB होगा. अब AB का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि मैट्रिसेज है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर बनेगा, तो AB का जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रो ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B होगा. एंड AB बनेगा कैसे, एंड इज डिफाइंड बाय एंड इज डिफाइंड बाय A इक्वल AIJ M क्रॉस N, B इक्वल BJK N क्रॉस P. मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर रखना पड़ेगा. AB इक्वल AIJ M क्रॉस N इंटू BJK N क्रॉस P इज इक्वल टू सिग्मा ए आई जे बी जे के. जे इसके लिए कॉलम है, जे ए के लिए कॉलम है, बी के लिए रो है, जो दोनों बराबर है. जे इक्वल वन टू एन. नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, एम क्रॉस पी. मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स कोई सी आई के इसका रो इसका कॉलम ऑर्डर बनेगा एम क्रॉस पी. सी आई के इक्वल सी आई के इक्वल सिग्मा ए आई जे बी जे के. जे इक्वल वन टू एन. मतलब दो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट तभी हो सकता है, ए बी अगर आपको करना है तो एक का कॉलम बी का रो बराबर होना चाहिए. नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ए का रो क्रॉस बी का कॉलम होगा. जैसे यहाँ पे ए एक कोई मैट्रिसेज है, ए एक कोई मैट्रिसेज है ए आई जे एम क्रॉस एन का, बी एक मैट्रिक्स है बी जे के एन क्रॉस पी का. ए का कॉलम बी का रो इक्वल है तो प्रोडक्ट होगा. अब होगा कैसे, सिग्मा ए आई जे बी जे के सिग्मा चलेगा किस पे, जे इसके लिए कॉलम बी के लिए रो जो दोनों सेम रहा होगा. जे वन टू एन ऑर्डर क्या बनेगा, एम क्रॉस पी. एम क्रॉस पी ए बी का ऑर्डर बनेगा. शॉर्ट में आप सी आई के लिख सकते हैं, जहां पे सी आई के क्या है, सिग्मा ए आई जे बी जे के. वेयर सी आई के, वेयर सी आई के इक्वल सिग्मा ए आई जे बी जे के. जे इक्वल वन टू एन. अब आप इसका मान निकालिए, जिसका मान क्या होगा, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री, कुछ पोजिशन का कुछ ना कुछ तो एलिमेंट बनेगा. एक हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का और जिसको अपने फॉर्मेट में अरेंज करते हैं. एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ए इक्वल ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू 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 क्रॉस दो. बी लेते हैं बी वन वन बी वन टू टू क्रॉस वन. ए बी तो होगा, ए का कॉलम बी का रो बराबर है तो ए बी होगा. ए बी अब होगा कैसे,
A11, A12, A21, A22, 2 cross 2 into B11, B12, 2 cross 1. आप जिस वे में लिखे थे उस वे में आइए, AIJ 2 cross 2, BJK 2 cross 1. प्रोडक्ट जो होगा सिग्मा ए आई जे बी जे के 2 क्रॉस 1, जे इक्वल 1 2 2. इसी को शॉर्ट में लिख दिया था सी आई के 2 क्रॉस 1, वेयर सी आई के इक्वल सिग्मा ए आई जे बी जे के J equal 1 2 2. 2 cross 8 8 का एक मैट्रिक्स बना C11 C12 C21 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 G21 B21. अब C11 क्या होगा, इसमें I और K के बदले में 1 डालो, और 21 क्या होगा, इसमें I और K के बदले में, I के बदले में 2 और K के बदले में 1 डालो, तो आपको क्लियरली एलिमेंट लिख जाएगा. C11 इक्वल इसमें I के बदले में 1, सिग्मा A 1 J BJ1 J equal X से 2, C11 equal A11 B11 plus A12 B21 C11 आपको मिल गया. फिर आपको किसका जरूरत है, C21 का. C21 equal इसमें I के बदला में 2, K के बदला में 1 डालिए, सिग्मा ए आई जे ए 2 जे बी जे 1 जे इक्वल 1 से 2, ए 2 1 बी 1 1 प्लस ए 2 2 बी 2 1 सी 2 1. अब C11 का उसमें वैल्यू डाल दो, पुट दिस वैल्यू इन एबी, एबी इक्वल C11 A11 B11 प्लस A12 B21 A21 B11 plus A22 B21 2 cross 8. ये आपका AB हुआ. मतलब जब भी आपको A करना हो AB, तो सबसे पहले आप यह देखें जो A का कॉलम B का रो बराबर है या नहीं है. अगर है तो AB होगा. नया मैट्रिक्स का ऑर्डर ए का रो क्रॉस बी का कॉलम होगा. इसमें ए का रो कितना है, 2, बी का कॉलम कितना है, 1, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा. अब आपका प्रोडक्ट कैसे होगा, तो प्रोडक्ट का आपको डेफिनेशन लिखे सिग्मा ए आई जे बी जे के, जे ए के लिए कॉलम है बी के लिए रो है. शॉर्ट में इसमें बचा क्या, जब जे वेरी कर जाएगा और के ही ना बचा, इसीलिए इसको सिंबल में सी आई के लिखे हैं. सी आई के, आई क्या है, ए के लिए रो है, के क्या है, बी के लिए कॉलम है. 2 क्रॉस 1, आई 2 हो गया 1 2, के हो गया 1. अब पहले 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स लिख लिए, देन इसमें आई और के बदला में 1, जे को वेरी करवा दिए 1 से लेके 2 तक, फिर
C11 भी मिल गया, C21 भी मिल गया, दोनों का मूल लाके इसमें डाल दिए, जो भी बना वही आपका AB बना। मैथमेटिकल तरीका AB निकालने का यही है, जो आपको वैसे बता दिया गया होगा, जो इसका रो पकड़ना इसके कॉलम के साथ में गुना कर लेना, तो गुना करके देखिए ना रिजल्ट वही बनेगा। तरीका जो मैथमेटिकल है वो ये है जो आपको अभी हम बता रहे हैं, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड्स में नहीं बताया गया होगा, सीधा कहा गया होगा ए का पहला रो लेना, बी के पहले कॉलम के साथ में गुना करके जोड़ देना, तो 1-1 पोजीशन का एलिमेंट बनेगा, फिर पहला रो लेना दूसरा कॉलम के साथ में गुना करके जोड़ देना तो 1-2 पोजीशन, तो 1-2 पहला रो ए का कॉलम बी का, तो वही ना आई के है, आई का माना बदलिए ना, आई क्या बता रहा है ए का रो, के क्या बता रहा है बी का कॉलम। तो मैथमेटिकल तरीका सिग्मा ए आई जे बी जे के, जे जहां पे ए के लिए कॉलम रहा होगा, बी के लिए रो रहा होगा, जो बराबर हुआ हो तो बच क्या इसमें जाएगा आई और के, इसीलिए सिंबॉलिक रोटेशन में सी आई के, सी आई के, आई ए के लिए रो है, के बी के लिए कॉलम है, वही इसका ऑर्डर है। अब यहाँ पे आप 2×1 तो आई का वैल्यू 1-2 के का वैल्यू से 1 डालिए, एक मैट्रिक्स बना 2×1 का। अब C11 क्या होगा, C11 क्या होगा, इसमें और के बदला में 1 डालिए, C21 क्या होगा, आई के बदला में 2 के बदला में 1 डालिए, जो बनेगा वो एलिमेंट निकाल के इसमें डाल दीजिए। यह प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, बट हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जैसे आपको सिखाया गया इसका रो उसका कॉलम करना, बात यही सिखाया गया, कुछ नया नहीं, आप वैसे कर दोगे, लेकिन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो भी होंगे वह तो कुछ ऐसे ही चलेंगे। आप देख लो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं।